बाजार कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय नाबालिग से बिल्डर ने की छेड़छाड़। थाने के बाहर आक्रोशित महिलाओं ने आरोपी की पिटाई। नागजीरी थाना क्षेत्र का मामला। पूरा मामला शिप्रा विहार कॉलोनी क्षेत्र का है। पड़ोसी महिलाओं में किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया था। इसी दौरान वहां बिल्डर भगवान सिंह चौधरी पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। इसी दौरान महिला की 14 वर्षीय नाबालिग बालिका बीच बचाने आई तो भगवान सिंह ने बुरी नीयत से बालिका का हाथ पकड़ा। इसी दौरान बच्ची के कपड़े भी फाड़ दिए, जिसकी शिकायत फरियादिता ने अपनी माँ के साथ नागजीरी थाने पहुंचकर की। पुलिस ने फरियादी को 2 घंटे बैठाकर आरोपी भगवान सिंह चौधरी के खिलाफ IPC की धारा 354, 294 व 7/8 पास्को एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। वहीं थाने पर पहुंचे आरोपी को फरियादी पक्ष की आक्रोशित महिलाओं ने थाने के बाहर पिटाई कर दी। आरोपी की शिकायत पर भी फरियादी पक्ष के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। फरियादी नाबालिग की मां संजय वर्मा, थाना प्रभारी नागजीरी। देखिए, नाबालिग बालिका शिप्रा विहार कॉलोनी में रहती है और इसी ने चूँकि शिकायत की फरियाद यही है। इनने आरोपी भगवान सिंह चौधरी, जो कि यहाँ कॉलोनाइजर है, उनके खिलाफ शिकायत की है कि अपने घर के सामने बैठी हुई थी। पड़ोस के व्यक्ति से कुछ इनका विवाद था तो कुछ महिलाओं की कहा सुनी हो रही थी। उसी बीच में भगवान सिंह चौधरी वहाँ पर आए, उन्होंने माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ बकी हैं और बुरी नीयत से फरियादिया की टी शर्ट खींचते हुए उसे धक्का दिया है। तो इसलिए हमारे थाना नागझिरी में अपराध क्रमांक 297, धारा 354, 294 भारतीय दंड संहिता और 7/8 पास्को एक्ट में मामला कायम किया गया है। इसमें भगवान सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ लोगों द्वारा उनके साथ भी मारपीट की गई है बाद में, घटना के बाद में, तो उनकी तरफ से भी FIR ली गई है। जो आज थाने पे आए हैं आप, इसलिए आई थी थाने पे सर कि वो आया पहले, उसने फोन करके, क्या नाम है उसका, कौन है, भगवान चौधरी करके, जी भगवान नहीं है, तो उसको बुलाया उसने और गाली गुप्ता देने लग गया गाड़ी में से, तो धुआं झपटी, कांच खोला उसने और धुआं झपटी वहीं करने लग गया। तो मैंने बोला क्या है, तो बोला कि हटा लग तू, तो मेरी बच्ची आ गई बीच में सर, तो उसके ना झपटा छीना झपटी कर ली उससे, उसके कपड़े फपड़े कर दिए। तो काई के लिए वहाँ आता था, क्या है कुछ, वो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वहीं। अच्छा, कहाँ पर का मामला है, क्या पूरा, बहुत पुराना है मामला सर, मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या नाम है उनका, जो सामने वाली लड़की, आरती। तो आप कहाँ रहते, आप कहाँ रहते हैं, उसके पास में रहती सर, मैंने ही रूम दिलाया उसको, मुझे ये तो नहीं मालूम थी कि आज मेरी बच्ची को ये कैसा करेगा, और मेरी बच्ची नाबालिग थाने पे आई तो क्या बोल रहे हैं थाने वाले, ये बहुत देर से 5 बजे से यही हो रहा है कि हाँ लिख रहा है, रखो था लिख रहा है सर, टूटना नहीं चाहिए सामने वाला, आज मेरी बच्ची के संग करा, कल किसी और की बच्ची के संग करेगा।